एक हफ्ते के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम जैसे कि आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, ये नहीं हुआ ना, फिर आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर एक हफ्ते के अंदर आपका हो जाता है, वापस आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में देखिए विद प्रूफ 7 डेज 28 डेज, देखिए मैं आपको अभी लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा जो है वॉच टाइम है मेरा, वॉच टाइम का क्राइटेरिया जो है पूरा ख़त्म हो चुका है। लेकिन सब्सक्राइबर्स 250 सब्सक्राइबर्स केवल चाहिए इनको मोनेटाइज करने के लिए, तो 250 सब्सक्राइबर्स तो किधर से भी आ जाएंगे, आप लोग बस वीडियोस को पूरा देखिए, 250 सब्सक्राइबर्स भी आ जाएंगे, कुछ भी मेहनत करेंगे 250 सब्सक्राइबर्स इजीली आ जाएंगे, फिर चैनल फटाफट मोनेटाइज। एक ही वीडियो से 4K वॉच टाइम आपका भी होगा, नो वेबसाइट ओनली, मतलब ऑर्गेनिक व्यूज वेबसाइट से लेते हैं तो वो मतलब यूट्यूब के एल्गोरिथम के खिलाफ होता है, एंड ऑर्गेनिक जो मतलब व्यूज आते हैं उनके बाद वॉच टाइम आता है, वो काफ़ी अच्छा वॉच टाइम होता है, तो वो हम आपको दिलाएंगे ना कि मैं वेबसाइट से। तो आप लोग देख ही रहे हो विद प्रूफ साइड वाले मतलब मोबाइल के स्क्रीन पे, तो चलिए आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं आपको फुल क्लियरली। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे चैनल पे जो है 5225 वॉच टाइम है एंड 752 सब्सक्राइबर्स है, ये मेरे 250 सब्सक्राइबर्स होंगे एंड मेरा चैनल बूम मोनेटाइज हो जाएगा भाई। तो ये चैनल मैं गिवे भी करने वाला हूँ एंड आप लोगों में से किसी एक विनर को मिलेगा जो इस वीडियो पर अच्छी कॉमेंट करेगा, इसी वीडियो के कॉमेंट से मैं विनर निकालूंगा, तो जिनको भी ये चैनल गिफ्ट होगा उनका तो भाई वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा वॉच टाइम है, 5200, अगर 90 डेज का करें तो 5276 होता है, अगर 28 डेज का करें तो 24 घंटा। इसलिए बता रहा क्योंकि मैं यह वीडियो एक महीना पहले पब्लिक किया था एंड यह वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज भी आया था, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ग्राफ है वो हाई आ रहा है। यहाँ पे वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, एक वीडियो मोटिवेशनल स्पीच बाबा, उसके बाद एक सौरभ जोशी ब्लॉग चैनल मोनेटाइज डिसेबल, इसके ऊपर मैं 2 वीडियो बनाया था एंड सौरभ जोशी वाला वीडियो मेरा नहीं चला। एंड ये जो था मोटिवेशनल स्पीच आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अभी भी रियल टाइम में व्यूज आ रहा है, 1 मिलियन से ज़्यादा इंप्रेशन चल गया है एंड व्यूज जो है सजेशन से सारे व्यूज आए हैं, ना ही कि मतलब किसी वेबसाइट से आपको वॉच टाइम दिलवाएंगे, आपको रियल वॉच टाइम दिलवाएंगे जो इस वीडियो से आया है। 200K व्यूज मतलब 2 लाख व्यूज पे 5300 का वॉच टाइम आया है, 5200 का वॉच टाइम, वो मैं आप लोगों को दिलवाऊंगा एंड इस चैनल को मैं गिव अवे करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों आगे मैं एडिटिंग ट्यूटोरियल आपको सिखाता हूँ। तो दोस्तों अपने काइन मास्टर में आ जाना है, उसके बाद 16.9 का रेशियो ले लेना है एंड आगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या एडिटिंग वगैरह करना है जीके फैक्ट वाली वीडियोस का, जिनसे आपका काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम काउंट होगा। तो यहाँ पे मैं एक वाइट पेपर ले लेता हूँ, हालांकि इसको ब्लैक करना है लेकिन वाइट ले लेता हूँ मैं, मतलब लेटर लिखने के बाद इसको ब्लैक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, आप लोग भी इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा तब ना काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम हमको इंक्रीज होगा एंड वीडियो पे कम भी व्यू जाएगा तो वॉच टाइम ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ऐसे में इनका जो है लेंथ थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड उसके बाद जो है मतलब अपना जो है लिखना है कुछ इस पर, तो वही मैं बताता हूँ। पहले लेंथ लिख लिया, उसके बाद जो यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे लिखना है, मैं मतलब थोड़ा सा तेज़ी कर देता हूँ ताकि टाइम ना लगे ज़्यादा। तो दोस्तों आपको टेक्स्ट में कुछ इस प्रकार के लिखने हैं कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। फिर जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है पूरा टाइपिंग कर दिया है एंड इसको अपने हिसाब से एडजस्ट आप लोग कर लेना है एंड उसके बाद जो है इसका कलर जो बैकग्राउंड का कलर वो पूरा ब्लैंक कर देना है ताकि वो जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे। उसके बाद जो है हमको एक तो टाइमर सेट करना होगा, तो वो टाइमर चलिए हम सेट करके आपको बताते हैं, फिर आपको विश्वास होगा। तो चलिए दोस्तों अपने गैलरी में चलते हैं एंड दोस्तों यहाँ पे हम ऐड कर लिए टाइमर एंड इसका जो है क्रोमा की से ग्रीन स्किन हटा देते हैं। तो आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है उस ऑप्शन को एंड क्रोमा की ढूंढ कर क्रोमा की पे क्लिक करके ग्रीन स्किन को हटा देना है एंड 10 सेकेंड वाले जो है हमारा लग चुका है एंड अभी मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 10987 ऐसे करके लिखा कुछ आ रहा है, तो इसको जो है आपको सिंपली से आपको जितना मन जितना क्यूरीज आता होगा जितना क्वेश्चन आता होगा आप उतना डाल सकते हो एंड यहाँ पे मैं थोड़े से ही करके एक्सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। तो चलिए मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ अपलोडिंग टाइम पे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अपने YouTube एप्लीकेशन पे आ जाना है, उसके बाद जो है प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको ये सब तो पता ही है, नेक्स्ट करना है। ये दूसरा सेलेक्ट हो गया हमारा वीडियो, हम वही वाला वीडियो सेलेक्ट करते हैं जो हमने बनाया था, वहाँ पे देख सकते हो आप लोग 10 सेकेंड लिखा हुआ। तो
चलिए इसको हम नेक्स्ट करके पहले पब्लिक करते हैं, उसके बाद इसमें जो है टैग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन डाल लेंगे। हालांकि इसमें अनलिस्टेड में आप लोग पब्लिक कीजिएगा। एंड चलिए हम चलते हैं YT स्टूडियो में एंड वहीं पे आपको जो है पूरा ट्यूटोरियल बताते हैं। एंड दोस्तों हम अपने YT स्टूडियो में आ गए हैं एंड यहाँ पे आपको एक वीडियो शो हो रहा होगा, तो इस वीडियो को जो है ना आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब कुछ आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो चलिए हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पहले हम टाइटल कॉपी किए, उसके बाद जो है अपना जो है डिस्क्रिप्शन जो है इसमें डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी करना है। टैग्स भी आप लोग देख सकते हो, दो को टैग्स लगाए हैं फिर भी वीडियो जो है रैंक कर गया। तो हम पहले डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे एंड चलेंगे न्यू वाले जो हम वीडियो अपलोड किए उसमें पेस्ट करना है हमको। तो चलिए पहले हम कॉपी कर लेते हैं, तब आपको मिलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम आ गए एंड डिस्क्रिप्शन में जो हम पूरा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, उसके बाद जो टाइटल हम नीचे रख लिए थे उसको जो है हम सिंपली से कॉपी करके एंड टाइटल जो है टाइटल वाला सेक्शन में हम पेस्ट कर देंगे। तो चलिए पहले पेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है हमको टैग्स में भी यही चीज़ पेस्ट करना है, टाइटल ही टैग्स में पेस्ट करना है, ये यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है। उसके बाद जो है हम वीडियो को सिंपली कैटेगरी जो हमारा एजुकेशनल होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल टाइप का ना क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, आप GK का क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं तो एजुकेशनल टाइप होगा इस मतलब कैटेगरी में। तो यहाँ पे थंबनेल में आपको बताऊँगा लास्ट में कि कौन सा थंबनेल आपको लगाना है, वह थंबनेल आप लगा दीजिएगा एंड यहाँ पे फिलहाल तो सेव कर दीजिए। एंड वीडियो को कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को एक घंटे के लिए छोड़ देना है एंड एक घंटे बाद जो है वीडियो को पब्लिक करना है। एंड चलिए दोस्तों आप लोगों को मिलते हैं हम मतलब थंबनेल के ट्यूटोरियल में, कि आपका कौन सा थंबनेल लगाना है, कौन सा थंबनेल आप लगाएंगे जो आपका वीडियो जो है अच्छा खासा बूस्ट करेगा एंड CTR भी हाई रहेगा एंड क्लिक थ्रू भी हाई रहेगा, एंड कौन सा थंबनेल आप लगाएंगे कि CTR लो हो जाएगा। तो CTR लो होने वाला थंबनेल नहीं लगाना है, CTR हाई होने वाला थंबनेल लगाना है। थंबनेल जब लगाएंगे करेंगे तो कुछ अच्छा लगाएंगे प्रोफेशनल। पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो ऊपर जो एक GK रामा का मतलब चैनल दिख रहा है, इसी के थंबनेल से आपको कॉपी करना है, अपने वीडियो में पेस्ट करना है। दोस्तों ऐसा क्यों करना है, क्योंकि इन लोगों के जो है थंबनेल काफ़ी ज़्यादा क्लिकबेट होते हैं एंड आप भी ऐसा क्लिकबेट थंबनेल बना सकते हो, इससे भी अच्छा खासा अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो। आप कई सारे भाई लोग कमेंट करेंगे कि भाई ये गंदे सवाल क्या होते हैं, तो भाई थंबनेल में आपको कुछ भी डालना है, वीडियो के अंदर तो आपका सही चीज़ है ना भाई। अगर आप वीडियो के अंदर आप सस्पेंस क्रिएट कर लेते हैं ना, तो बंदा उस वीडियो को भी GK वाला वीडियो को भी अच्छा GK वाला वीडियो को भी देख के जाएगा। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, सस्पेंस क्रिएट करने का क्वालिटी है, तो आप किसी भी बंदे को रोक के रख सकते हो अपने वीडियो पे। तो दोस्तों यह जो थंबनेल है ना, यह आपको अवश्य लगाना होगा। अगर आप नॉर्मल सा थंबनेल लगाते हैं कि ये वो फैक्ट, ये मतलब भारत का प्रधानमंत्री कहाँ था, कैसे था, मतलब कौन था फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन था, तो ऐसा थंबनेल आपका नहीं चलेगा। कुछ तो क्लिकबेट करना पड़ेगा ना, सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि क्लिकबेट, तो आपको भी क्लिकबेट करना पड़ेगा। विथाउट क्लिकबेट इस दुनिया में मतलब भाई किसी का वीडियो उतना वायरल नहीं होता। सौरभ जोशी भाई उसका उतना सब्सक्राइबर्स बेस है, फिर भी वो क्लिकबेट नहीं करता है, तो वो अलग की बात है, लेकिन आपको क्लिकबेट करना पड़ेगा मेरे भाई, बिना क्लिकबेट के दुनिया चलता ही नहीं है। एंड इस थंबनेल को आप लोग जरूर लगाइएगा, अगर व्यू नहीं आएगा ना तो भाई आप दोबारा से मेरे 7 दिन चाहे 10 दिन के बाद ना हमारे कमेंट में आप आके बोल सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा टिप्स जो है नहीं काम किया, तुम फालतू आदमी हो वगैरह वगैरह कह सकते हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरा टिप्स ना काम करे तब, अगर काम कर गया तो आपको सब्सक्राइब कर देना पड़ेगा एंड डेली वीडियोस देखना पड़ेगा। हाँ, और मैं बात कर रहा था इस चैनल को गिव्वे का, तो मैं गिव्वे इस चैनल को जरूर करूँगा एंड गिव्वे करूँगा मैं, जो मेरे 500 सब्सक्राइबर्स जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं, तो हो जाएंगे 500 सब्सक्राइबर्स, जैसे ही होंगे मैं गिव्वे अनाउंसमेंट कर दूँगा एंड इस चैनल को मैं किसी न किसी बंदे को दे दूँगा, और वो बंदा जो है अपना 250 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करके, नहीं तो मैं ही 250 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करके उस बंदे को पूरा मोनेटाइज करके चैनल देने वाला हूँ। तो मोनेटाइज चैनल किसको मिलेगा आप लोग गेस करिए, मोनेटाइज चैनल आपको चाहिए ना चाहिए, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अच्छा सा इसी वीडियो में कमेंट करना है, किसी अलग वाले वीडियो में नहीं कमेंट करना है। तो हाँ ध्यान रहे दोस्तों, गिव्वे अनाउंसमेंट सुनना है एंड गिव्वे जीतना है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।